Assalamualaikum and hello guys, welcome our create blog website series के part 3 के अंदर। जैसे कि हमने part 1 और part 2 के अंदर अपनी एक blog website बनाई थी, blogger का इस्तेमाल करके उसका theme लगाया, customize किया theme को, menu bar, pages बनाए and कुछ उसकी settings की, सब कुछ हमने किया इन दो videos के अंदर। आज हम part 3 के अंदर अपनी इसी वेबसाइट को गूगल के सर्च पेज पे रैंक करवाएंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हो मेरी एक वेबसाइट है स्टडी शायरी, ये गूगल के फर्स्ट पेज पे अगर आप सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगी। अब आप इसी तरह अपनी वेबसाइट को कैसे गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करवाओगे, यानी कि गूगल सर्च कंसोल के अंदर कैसे अपनी वेबसाइट को डाला जाता है, कैसे वेबसाइट का साइड मैप लगाया जाता है वगैरह वगैरह, आज हम यही मज़ीद आगे अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करेंगे, गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करवाना सीखेंगे, यानी कि अपनी सीरीज़ के पार्ट 3 को आज हम कंटिन्यू आगे स्टार्ट करने वाले हैं। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ब्लॉग का फर्स्ट, दूसरा, तीसरा पार्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर। तो गाइज़ अगर हम अपनी इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद देखो ये हमारी वेबसाइट हमें गूगल पे कहीं शो नहीं हो रही। तो इसी तरह लोगों को भी हमारी वेबसाइट शो नहीं होगी। तो अपनी वेबसाइट को गूगल पे सर्च करवाने के लिए सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। तो आपको ये गूगल की वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर आपने क्लिक करके यहाँ स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करना है और आप अपने जीमेल आईडी के साथ गूगल सर्च कंसोल पे साइन अप कर लोगे। तो जैसे आप गूगल सर्च कंसोल पे आओगे तो आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे ऊपर देखो आपको ऐड प्रॉपर्टी के बटन पे क्लिक करना है और ऐड प्रॉपर्टी डालनी है। अब आपका अगर डोमेन नेम है www. जैसे हम मेरा है azamsmirke.blog.com, या अगर आपने ब्लॉग पोस्ट पे ही काम करना है तो यहाँ आपने सबसे पहले अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना है। यूआरएल कॉपी करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डालना है, फिर वो .com हो, .blogpost हो या कोई भी फ्री डोमेन नेम आप यूज़ कर रहे हो, कुछ डिपेंड नहीं करता। बस आपने यहाँ पे अपना यूआरएल डालना है वेबसाइट का और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। आप थोड़ा सा वेट करना, ये आपकी वेबसाइट को चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको गो प्रॉपर्टी की ऑप्शन मिलेगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इस तरह आप यहाँ पे आ जाओगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे देखो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, लेकिन अभी यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस पे क्लिक करता हूँ तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट का HTML टैग अभी नहीं डाला। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है सेटिंग्स के अंदर। तो जैसे ही आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे यहाँ आपने ऊपर ओनरशिप वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। सो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ नीचे देखो आपको HTML टैग की ऑप्शन मिलेगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये यहाँ से टैग को कॉपी के बटन पे क्लिक करके कॉपी करके अब आपने अपनी वेबसाइट में जाना है और थीम के सेशन पे चले जाना है और थीम और यहाँ पे क्लिक करके एडिट HTML के बटन पे क्लिक करना है। सो जैसे आप एडिट HTML के बटन पे क्लिक करोगे तो हेडर के नीचे आपने एंटर करना है और हेडर के नीचे आपने वो कोड जो कॉपी किया है वो डाल देना है HTML और इस फाइल को आपने जस्ट कर देना है सेव। तो जैसे ही आप सेव करोगे तो सेव करने के बाद आपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाना है और ये वेरिफिकेशन का जो बटन है वो आपने प्रेस करना है। तो जैसे ही आपका HTML कोड सेव हो जाए उसके बाद वेरीफाई कर लेना, तो HTML टैग यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई हो गया है। अब ये आपने डाल लिया HTML टैग, अब आपकी वेबसाइट गाइज विद इन अ 1 या 5 आवर के अंदर अंदर या विद इन अ 1 डे आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल के सर्च पेज के अंदर रैंक होना शुरू हो जाएगी। अब हमने अपनी वेबसाइट के जो टैग हैं अब हमने अपनी वेबसाइट के जो पोस्ट होती हैं जो पेजेस हैं उन्हें भी रैंक करवाना है। लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारी वेबसाइट है studyshayari.com। तो आप सर्च करो यहाँ पर, देखो आपको हमारा अबाउट अस पेज मिलेगा, ठीक है। थोड़ा नीचे जाओगे आपको हमारा प्राइवेसी पॉलिसी, इसी तरह कॉन्टैक्ट अस, सारे पेजेस भी रैंक होते ये देख सकते हो। यहाँ पे पोस्ट जो है वो रैंक हुई मिलेगी। तो इसे रैंक करवाने के लिए आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का साइड मैप डालना है, लेकिन उससे पहले आपने अपने ब्लॉगर में जाना है और यहाँ पर सेटिंग के बटन पर क्लिक करके आपने स्क्रीन स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको
क्रॉलिंग एंड इंडेक्स की एक ऑप्शन मिलेगी, ये डिसेबल होगी, आपने इसे इनेबल करना है। नीचे वाले को आपने टैग वाले को इनेबल कर लें या डिसेबल कर लें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ कस्टम रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक कोड डालना है जो मेरा पहले से डला हुआ है। वो कोड मैं आपको ये वाला डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने ये कोड को कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये कोड आपने डालना है। डालने के बाद यहाँ देखो ये https से लेके .com तक आपने रिमूव करना है। और यहाँ आपने अपनी वेबसाइट का URL डालना है। जैसे आप अपनी वेबसाइट का URL डाल दोगे आपने देन सेव करना है। सेव करने के बाद ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब आपने वापस आना है गूगल सर्च कंसोल में और यहाँ पर आपने डालना है, मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या डालना है, किधर गया, हाँ ये गया। अब ये देख लीजिए आपने ये डालना है यहाँ पे /autumn.xml आपने ये डाल के सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ये डाल के सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा प्रोसेसिंग में, एंड ऑटोमेटिक जो है वो आपकी वेबसाइट को ये डिटेक्ट कर लेगा और आपकी वेबसाइट का एक ये ऑटम डल जाएगा, ठीक है। ये एक डाल लीजिए। उसके बाद आपने सेम ऐसे लिखना है स्लैश डाल के आपने साइड site साइड mapmap.xml, ठीक है, आपने ये लिख के सबमिट करना है। अब आप ये लिख के जैसे ही सबमिट करोगे फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ ये देख सकते हो ये हमारा साइड मैप डल गया है। ओके करो। ओके करने के बाद ये हमें एक एडिट दिखा रहा है मिसिंग XML टैग। अब मिसिंग XML टैग ये हमें दिखा रहा है क्योंकि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही अपने थीम के अंदर जाके अपना HTML टैग डाला था, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही विद इन अ 1 आवर या 5 आवर या 1 डे के बाद जैसे ही हमारी वेबसाइट गूगल के सर्च पेज पे रैंक होना शुरू हो जाएगी, एंड वैसे ही ये वाला जो एडेड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, या आप यहाँ पे क्लिक करके इसे यहाँ से रिमूव कर देना साइड मैप को, ठीक है। रिमूव करने के बाद जो है वो फिर दोबारा आप यहाँ पे साइड मैप डालोगे और इस तरह ऑटम की तरह सक्सेसफुल हो जाएगा और आपकी वेबसाइट के अंदर जितने पेज होंगे, जितनी आपने पोस्ट डाली होंगी, सब की सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और अब यहाँ पे आप इस तरह अपनी वेबसाइट को रैंक करवा लोगे। अब आप कोई भी लिखोगे यानी कि आर्टिकल लिखोगे, उस आर्टिकल का आपने URL कॉपी करना है और यहाँ पे URL इंस्पिरेशन के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का URL डालो, ठीक है, या आप अपनी आर्टिकल का URL डाल दो, ठीक है। ये URL आप लाजमी डालिएगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्स के बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। आपने रिक्वेस्ट कर दी गूगल को कि ये फलां URL है, इसको गूगल के सर्च पेज पे रैंक करवा दो। तो अब विद इन 24 आवर आपका जो आर्टिकल होगा, आपकी जो वेबसाइट होगी, वो गूगल के सर्च पेज पे रैंक होना शुरू हो जाएगी। एंड यहाँ पे टेस्ट लाइव URL के बटन पे भी आपने क्लिक करना है रिक्वेस्ट करने के बाद या रिक्वेस्ट करने से पहले, ठीक है। तो ये टेस्टिंग कर लेना और इंडेक्स कर लेना। तो अब आपकी ये देख सकते हो यहाँ पे टिक लग गया। अब विद इन 24 आवर हमारी ये वेबसाइट भी और हमारे जितने आर्टिकल्स होंगे वो आप मैनुअली डाल के यहाँ पे जो है वो गूगल पे रैंक करवा सकती है। तो इस तरह आप इन कुछ स्टेप्स से गुजरते हुए अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज के अंदर सर्च करवा सकते हो, रैंक करवा सकते हो, यानी कि अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च कंसोल के अंदर डाल सकते हो, अपनी वेबसाइट का साइड मैप आप डाल सकते हो। सो आई होप आपने देख लिया कि कैसे आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है एंड मज़ीद आगे देखा। सो अब इससे ज़्यादा हम आगे इसके part 4 के अंदर देखेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ यार वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी, एंड अगर आपने part 1 part 2 मिस कर दिया है देन आप मेरी इसकी प्लेलिस्ट को जाके विजिट कर सकते हो। सो चलो मिलता हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने प्यार का ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।